देखेंगे बच्चों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब समझ लें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका रियल पार्ट और एक होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि अपन ने लिखा 2 + 3i, कोई नंबर है मान लो 2 + 3i, तो जिसमें i लगा है ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें i नहीं लगा है ये कहलाता है रियल पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल अपन लिखते हैं z इक्वल टू x + iy। किसी भी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, z इक्वल टू x + iy, x रियल पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट। अपन देख रहे थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो क्या होता है? सपोज जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iv, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। मतलब x = a हो जाएगा, y = b हो जाएगा। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मान लो ये है 2x - 1 + 3x + y (i) इक्वल टू दे दिया 3 + 4i। अब बोलेंगे बताओ फाइंड x एंड y, x और y निकालना। तो हम ये जो रियल पार्ट है उसको रियल के इक्वल करेंगे, 2x - 1 = 3, ये -1 वहां जाके प्लस होगा तो 2x = 4, x = 2, आगे x की वैल्यू। ऐसी इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर, इसको और इसको इक्वल, आई ना तुम्हें इसमें लेना है ना उसमें लेना है, दोनों आई को नहीं लेना है, इन दोनों को इक्वल करा तो 3x + y = 4, एक्स की जगह 2 रखा तो 3 × 2 + y = 4, 3 × 2 = 6 + y = 4, तो y हो जाएगा 4 - 6, y आ गया -2। आगे एक्स और वाई की वैल्यू, बस यही अपन को पता करना था। तो ऐसे अपन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स से अननोन वैल्यूज पता कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब समझते हैं। यदि सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। बस उल्टा कर देना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जस्ट सपोजिट कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 + 4i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा 1/3 + 4i, जस्ट अपोजिट। बस अब ये जो आया इसको अपन इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आई अपॉन में नहीं छोड़ना है, तो इसको रेशनलाइज करना है, (3 - 4i) / (3 - 4i) अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 से इनटू करा 3 - 4i, नीचे हो जाएगा a + b a - b, a² - b² 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर 4i² = 16i² तो ये हो जाएगा 3 - 4i
आई स्क्वेयर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 16, 16 प्लस 9 25, अपॉन वाले 25 को अलग अलग करके लिखा तो 3 अपॉन 25 माइनस 4 आई अपॉन 25 आ गया मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स। तो इजी है एकदम, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको अपॉन कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, ऐसे निकल आता है मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट टर्म है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का इसको हम लिखते हैं z बार। z बार में क्या होता है, i के सामने का साइन चेंज, जैसे x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। सिंपल है, यानी मान लो जैसे क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, बोलेंगे फाइंड कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेशनलाइज करके, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आई के सामने का साइन चेंज कर देंगे। तो अभी जो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको जेड मान लिया, इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसको रेशनलाइज करें इंटू वन प्लस आई अपॉन वन प्लस आई, ब्रैकेट ओपन, टू प्लस टू आई प्लस आई प्लस आई स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, ये 2 माइनस 1 1, 2 आई प्लस आई 3 आई, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, यहां रख देंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आई, नीचे हो गया 2, अपॉन वाले 2 को अलग अलग करा 1 अपॉन 2 प्लस 3i अपॉन 2, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया 1 अपॉन 2 प्लस 3i अपॉन 2। अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, बार लगाया, बार लगाएंगे तो i के सामने का साइन चेंज, तो 1 अपॉन 2 माइनस 3i अपॉन 2 आ गया कॉन्जुगेट। ऐसे अपन निकालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स।